मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किए थी अपनी। और सर वर्तमान में मैं खाद्य निरीक्षक पद पर मुंगेली में पदस्थ हूँ। सर मेरी हॉबी सुदर्शन क्रिया करना एवं ध्यान करना है। राहुल जी, सुदर्शन क्रिया का आपने कहीं प्रशिक्षण लिया है या सेल्फ कर रहे हैं? सर इसका मैंने प्रशिक्षण लिया था। यह मुख्यतः आर्ट ऑफ लिविंग नाम की एक एनजीओ संस्था है, उसके द्वारा इसका कोर्स संचालित किया जाता है, जिसे मैंने 2 बार ज्वाइन किया था। अच्छा ये बताइए, देखिए आपके पिताजी का नाम में चंद्र किरण है और आपके आपका नाम राहुल है, इन दोनों में कुछ है, नाम में आप कुछ कनेक्शन दिख रहा है, बता सकते हैं क्या कनेक्शन हो सकता है संभावित राहुल और चंद्र किरण में? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। आप खाद्य निरीक्षक पद में जी सर। कब से हैं? सर मैं 25 नवंबर 2022 से मुंगेली में पदस्थ हूँ। आप बताइए खाद्य निरीक्षक के जो बेसिक काम है वही बता दीजिए कि क्या आप करते हैं। सर खाद्य निरीक्षक पद खाद्य विभाग के अंतर्गत आता है। यह सर जो मुख्य रूप से देखा जाए तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उस पे हमारा नियंत्रण का कार्य होता है। नियंत्रण व जो सुचारू रूप से उसे संचालित करने में हमारा योगदान होता है। इसके अलावा इसमें सर हम लोग जो राशन दुकानों में जो राशन सामग्रियों को समय पर पहुंचाना तथा राशन दुकानों पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। इसके अलावा सर जो पेट्रोल पंप होते हैं उनके लाइसेंसिंग का कार्य तथा उन उन उनमें इसके अलावा सर लाइसेंसिंग गैस एजेंसी में भी किया जाता है। गैस एजेंसी प्लस पेट्रोल पंप में हम लाइसेंसिंग का कार्य तथा उस पर नियंत्रण का कार्य करते हैं सर। और इसके अलावा सर इनके विरुद्ध अगर किसी प्रकार का की शिकायत व मिलावट की अगर शिकायत होती है तो उस पर जांच की कार्रवाई की जाती है सर। ये मार्कफेड और ट्राइफेड क्या होता है? आप फूड से ही रिलेटेड चीजें हैं, ये क्या है मार्कफेड और ट्राइफेड? सर मार्कफेड जो है सहकारी विपणन संघ इसका पूरा नाम है सर, छत्तीसगढ़ स्टेट सहकारी विपणन संघ। यह सर मुख्यतः धान खरीदी के समय कार्य करती है। जो धान खरीदी का कार्य होता है वह मुख्य रूप से मार्कफेड के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो उनको बारदाने का की सप्लाई होती है तथा जो किसान होते हैं उनको जो है इसकी राशि जो पहुंचाई जाती है वह मुख्य रूप से मार्कफेड के द्वारा की जाती है सर। सर यह लघुपज वनोपज संघ है जो मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ में वनोपज संग्रहण होता है। ये आम लोगों के लिए ट्राइफेड जो, इसका बेसिक क्या है, मतलब टी से क्या होता है, T4? सर ट्राइबल ठीक, मतलब जनजाति जो चीजें हैं, जनजाति उत्पाद है उससे संबंधित। जी 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 सर जी सर ठीक सर। राहुल, तुमने अपनी हॉबी में लिखा है मेडिटेशन, जी इसको एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे रिलेट करते हो, क्या फायदे हैं इसके? सर प्रशासन में प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ नई नई चुनौतियाँ आती है सर, जिसमें हमको उचित रूप से मतलब शांत दिमाग व सही सही डिसीजन लेने होते हैं सर, जिसके लिए मेडिटेशन एक कारगर उपाय है। क्योंकि यह प्रतिदिन के दिन की शुरुआत में अगर हम यदि करें तो सर दिन भर हम जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी कार्य करेंगे उसको सर ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। आप तो फूड डिपार्टमेंट से, सुपर फूड के बारे में बताएंगे? सुपर फूड, ये साल जो है इसे अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया है, मिलेट्स के बारे में बताइए। सर मिलेट से तात्पर्य जो मोटे अनाज होते हैं उन जी सर जैसे कि कोदो कुटकी व रागी को इनके अंतर्गत शामिल किया गया है। जी सर पिछले वर्ष से इसकी खरीदी जो है समर्थन मूल्य पर प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत कोदो कुटकी को 3,000 रुपये क्विंटल तथा
3377 रुपए में रागी की का समर्थन मूल्य रखा गया था। फॉरेस्ट्री को किस तरीके से आप अपने फूड से जोड़ते हैं, अगर मैं मिड डे मील की बात करूं तो किस तरीके से फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे आप? सर जो मैं जहां तक सोच पा रहा हूं सर, जो मिड डे मील है उसमें हम ऐसे पोषक तत्व युक्त खाद्यान्नों को मिड डे मील में ऐड कर सकते हैं जो वनों में पाया जाता है। आपने ट्राई फेड के बारे में बताया, ट्राई फूड पार्क क्या है, आपने सुना है इसके बारे में? अच्छा, ये ट्राई फेड जो है इसी के अंडर में बने हुए पार्क हैं। ट्राई फूड पार्क का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ये ट्राइबल जो फूड होते हैं उनकी मार्केटिंग करना है, उनकी प्रोसेसिंग करना है, उनका कलेक्शन करवाना है। ऐसे दो पार्क जो हैं इंडिया में अभी तक स्थापित हुए हैं, एक जगदलपुर में है और दूसरा है महाराष्ट्र के रायगढ़ में। तीसरा पार्क जो है ये एमपी में बहुत जल्द खुलने वाला है, ये ट्राई फूड पार्क है। आप अभी खाद्य निरीक्षक के पद पर हैं और फॉरेस्ट में या फिर सीएपीआर रेंजर पद में जाने वाले हैं, तो ये जो खाद्य निरीक्षक का आपका लगभग एक साल डेढ़ साल का पीरियड है, इसका लाभ फॉरेस्ट में आप कैसे दे सकते हैं, इसका जो अनुभव है उसका यूज आप कैसे करेंगे? सर जो खाद्य विभाग है वह अन्य जो विभाग हैं उनके साथ समन्वय बनाकर कार्य करती है, जिसका अनुभव मुझे प्रतिदिन होता है सर। जैसे कि विभिन्न शासकीय जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हम विभिन्न आयोजनों में सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करते हैं सर, जिसे मैं इस विभाग वन विभाग में यदि मैं आया तो सर इसमें भी इस अनुभव का उपयोग करूंगा। बढ़िया। फूड इंस्पेक्टर के रूप में अभी आपने धान खरीदी का जिक्र किया, तो आप बता सकते हैं कि जो सहकारी समिति द्वारा धान खरीदी होती है उसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी भी बने हुए हैं, तो दोनों का कैसा कार्य क्षेत्र है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर जो धान की खरीदी होती है वो जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कराई जाती है वह सर सहकारी समितियों के माध्यम से कराई जाती है, तथा जो मंडी है उसमें सर जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, निजी जो निजी बाजार के रूप में देखा जा सकता है सर, जहाँ पे हम बिना शासन के इंटरफेरेंस के अपन मतलब वस्तुओं मतलब जैसे कि खाद्यान्न सामग्रियों को हम बेच सकते हैं और सर राशि प्राप्त कर सकते हैं। अभी किसान कुटीर योजना के तहत सभी सहकारी समितियों में किसान कुटीर का निर्माण हो रहा है छत्तीसगढ़ शासन में, इसका नोडल एजेंसी कौन है? आपके भी कार्य क्षेत्र में आप समय समय पर सहकारी समितियों में दौरा करते होंगे, वहाँ किसान कुटीर योजना के तहत प्रत्येक सहकारी समिति में लगभग 14 या 15 लाख के किसानों के लिए स्थान में है, उसमें नोडल एजेंसी कौन है? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन सहकारिता विभाग। राहुल कंफर्टेबल है? आप मुंगेली में पोस्टेड, ये किस सर्कल के अंतर्गत आता है? फॉरेस्ट सर्कल वन वृत्त। सर बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत आता है। सर यह जी सर, सर बिलासपुर वन वृत्त जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त कहलाता है और इसके अंतर्गत सर मुंगेली व बिलासपुर जिले मुख्य रूप से आते हैं। सर इसके अंतर्गत हम जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, तथा यह एक साथ में टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है सर। हम देखते हैं ऐसे क्षेत्रों में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने के बाद भी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, इलीगल है ना, आप समझ पा रहे हैं, इलीगल ट्रेडिंग, इसको रोकने के लिए यदि आप क्या कर सकते हैं? सर जैसा कि मैं वर्तमान में सर लोरमी क्षेत्र में पदस्थ हूँ, तथा सर उस क्षेत्र के अंतर्गत अचानकमार जो क्षेत्र है वह भी आता है,
सर उस क्षेत्र में मैंने मैं जब गया हूँ तब मैंने देखा है सर वो क्षेत्र नेटवर्क विहीन क्षेत्र है सर, तो सर उस जगह पर नेटवर्क की अगर पहुँच हो जाए और सर कंप्यूटराइजेशन हो जाए उस क्षेत्र का, तो सर बहुत हद तक हम इंफॉर्मेशन भी शीघ्रता से प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वर्तमान में सर वहाँ केवल वॉकी टॉकी के जरिए ही संदेश का आदान प्रदान किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपने केस का प्रयोग कैसे करेंगे वहाँ? जी सर, जो संविधान में भाग चार है नीति निदेशक तत्व, तो उसके अंतर्गत सर अनुच्छेद 47 में वन्य जीवों के संरक्षण तथा उनके संवर्धन का प्रयास करने की बात कही गई है सर, जिसके अंतर्गत जो भारत सरकार है वो भारत सरकार ने विभिन्न अधिनियम समय समय पर निर्मित किए हैं सर। इसके लिए कोई साथ में मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है क्या? क्या अंतर है मूल कर्तव्य और DPSP 1 से संबंधित? जी सर, सर DPSP और मूल कर्तव्य में मुख्य रूप से अंतर यह, जी सर, जो वन के संबंध में कहा जाए तो जो शासन के द्वारा जिस प्रकार की संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे वह सर DPSP के अंतर्गत किए जाएंगे, तथा जो व्यक्तिगत हम व्यक्तिगत हैं जैसे कि निजी रूप से जिस प्रकार से हम वनों के संरक्षण के लिए स्वयं से प्रयास करेंगे सर वह मूल कर्तव्य के अंतर्गत। आप अपना मूल कर्तव्य निभाएंगे नागरिक के तहत और प्रशासनिक अधिकारी के तहत नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेंगे। ठीक, सुदर्शन क्रिया के बारे में थोड़ा सा बताइए। सुदर्शन क्रिया सर एक ऐसी श्वासोच्छ्वास की क्रिया है जिसके द्वारा हम यह आभास करने का प्रयास करते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं सर। यह चार चरण की प्रक्रिया है जिसमें प्रथम चरण में हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं जिसमें सर हम अपने सांस पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, और सर इसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं जिसके अंतर्गत जो है हम श्वास को बाहर करने का यह प्राणायाम होता है, जिसके अंतर्गत हम ऐसा कह सकते हैं सर कि हम अपने विचारों को एक प्रकार से हम अपने स्वयं से बाहर करने का अर्थात निर्विचार की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद सर हम तीसरे चरण में ओम का जवाप करते हैं 3 बार, जिसके बाद सर सुदर्शन क्रिया चतुर्थ चरण में प्रारंभ होती है जिसमें हम 3 श्वास को प्रथमतया धीमे तथा फिर मध्यम फिर तेज गति से श्वासोच्छ्वास करते हैं। यह प्रक्रिया हम 3 बार करते हैं सर। उसके बाद सर हम गहरे ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं स्वतः ही। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सर इसकी प्रेरणा सर मैं मेडिटेशन के प्रति पहले से कुछ हद तक आकर्षित था सर, और जब मैं अभी अपने इस एस्पिरेंट के मतलब जीवन में था सर, तो सर विभिन्न प्रकार की कहा जाए कि सर मानसिक तनाव और बहुत सारी चीज़ें होती है सर, तो मुझे एक दोस्त के थ्रू पता चला कि सर एक सुदर्शन क्रिया नाम की होती है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये कि आपके यहाँ पर जो पेन लगा हुआ है कौन सा पेन है और आपने कब खरीदा? सर यह सेलो कंपनी का पेन है सर, इसे मेरे जन्म दिवस पर पिछले साल मेरे भाई ने गिफ्ट किया। तो आप इसे रेगुलर यूज करते हैं? जी सर, ऑफिस में यूज करते हैं। पेन है कि डॉट पेन है? सर डॉट पेन है। चलिए ठीक, धन्यवाद। एक क्वेश्चन, आपका नाम राहुल है, राहुल नाम के पॉलिटिशियन को तो आप अच्छे से जानते हैं। जी जी सर, ऐसा कौन सा घटना हुआ था फिर जो काफी उनको मतलब? सर श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता है तथा उनके पिताजी जो थे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का शहादत दिवस 21 मई को होता है सर। जी सर,